सिकंदर बख्त साहब ये बताइएगा कि एक लम्हे के लिए हम ये मान लेते हैं कि अगर इंजमाम ने केस ही करना होता तो फिर इस्तीफा तो ना देते। सॉरी फिर से बोलिए। अगर उन्होंने केस ही करना होता तो इस्तीफा तो ना देते। तो भाई इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। कहते हैं ना व्हेन देयर इज अ फायर, क्या कहते हैं, व्हेन देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ हम तो उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। ठीक है, वो हमारे ठीक है। लिए आपका पॉइंट, आपका पॉइंट आया सिकंदर साहब, आपकी जाने वापस आते हैं। अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रजाक, हमारे नाज़रीन के लिए समझाइएगा कि किस तरह लीग्स आप खेले हैं, काउंटी आप खेले हैं, तो किस तरह की काम करती हैं ये एजेंट कंपनियां, हमारे नाज़रीन को समझाइएगा आसान अल्फाज में। ये देखें, सबसे पहली बात तो ये ओवर क्लेवर जो लोग होते हैं वो ऐसे ही चीजें करते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं और कंपनी का नाम लेकर कंपनी के बिहाफ पे लोगों को ये जो है ना थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं और उनके साथ पीआर भी बनाते हैं और उनको फिर यूज भी करते हैं कि ये कंपनी है। कि कंपनी के पीछे कौन होता है, कंपनी जो बनाता है वही बंदा होता है ना, नाम कंपनी का यूज होता है। तो हमारे दौर में तो ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं थी और ना ही किसी को प्रेशराइज किया जाता था और बिल्कुल सिंपल सी बात होती थी, खेलना या नहीं खेलना, ये पैसे हैं लेने या नहीं लेने, तो ये इस तरह की चीज थी। अब इसको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके चले गए हैं। जो पाकिस्तान में पढ़ा लिखा होता है, जिसको इंग्लिश आती है, तो वो उसका फायदा उठाता है और ऐसे प्लेयरों को यूज करता है जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती और अपनी मर्जी के मुताबिक कमीशन रखी जाती है। और मैं तो इस चीज को अच्छा, ये जो हम समझना चाह रहे हैं हमारे राज्य में समझाएगा, यानी कि लेट्स ये मिसाल देता हूँ कि मैं, आप प्लेयर हैं, मैं आपका एजेंट हूँ, तो मैं आपके बिहाफ पर निगोसिएशन करूंगा, अच्छी अमाउंट तय करूंगा कि फलां लीग, अब तो बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, तो फलां लीग खेलने के इतने पैसे लेंगे, उसमें मेरा इतना कमीशन होगा, कंपनी का इतना कमीशन होगा, क्या ऐसा ही है? ये डेफिनेटली ऐसा ही होता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ना फिर भी कुछ चीजें हिडन होती हैं, क्योंकि कंपनी अगर कोई काउंटी आपको कहती है कि जी हम अब्दुल रजाक को 1,00,000 पाउंड देना चाहते हैं, तो ये हमारे जो एजेंट होते हैं ये कहते हैं जी हम उसको 70,000 में ले आएंगे, तो मुझे क्या देंगे आप? तो इस तरह की चीजें भी काफी ये नजर आती हैं। और एजेंट का काम मेन रोल ये होता है कि वो हमारे पैसे डाउन करके, कट डाउन करके अपनी कमीशन वहां से भी लेता है और प्लेयर से भी लेता है। तो अक्सर ये जो समझते हैं कि एजेंट की ये हमारी वर्किंग है, तो इस तरह की वर्किंग ये बहुत ज्यादा करते हैं जब ये डायरेक्ट होते हैं किसी भी काउंटी के साथ या किसी कंपनी के साथ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये बीच में अपना मुनाफा कमाती हैं, प्लेयर्स को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत शायद अंग्रेजी के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से उतने स्ट्रांग नहीं होते या पिच करने के हवाले से उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो बीच में ये कंपनी अपना रोल प्ले करती है और ठीक ठाक पैसा कमाती है। नहीं देखें, बात इंग्लिश की नहीं है और बात है कि सच की, अगर आप सही बात करते हैं तो वो भी समझ आती है। अगर वो एक, अगर काउंटी आपको अच्छे पैसे देना चाह रही है तो ये बीच में इंटरफेयर करके उससे साथ मिल जाते हैं, काउंटी के साथ उसके साथ रिलेशन अच्छी हो जाती है। डेफिनेटली अगर देखें, अगर मैंने किसी प्लेयर को हायर करना है, अगर मुझे कोई एजेंट कहता है कि जी मैं कहता हूँ जी मैंने 1 करोड़ में लेना है, तो वो कहता है जी मैं 60,00,000 में दे देता हूँ प्लेयर, तो मैं तो उसके गुनगाऊंगा कि यार के तुम तो मेरा बहुत सारा उठा रहे हो, मेरा फायदा कर रहे हो, तो मैं तो मेरे तुम पर्सनली मेरे फ्रेंड बन गए अब तो। तो इस तरह की चीजें डेवलप करके जो एजेंट देखे ना हमारे अच्छा अब यही अब्दुल रजाक यही रोकते हैं। आप प्लेयर हैं, मैं एजेंट हूं या एजेंट कंपनी में मैं हिस्सेदार हूं और मैं चीफ सेलेक्टर भी हूं, तो आप मुझसे बिगाड़ भी नहीं सकते। आपको पता है कि जैसे मैं कहूंगा, जितने मैं कहूंगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा लीग का, वरना फिर आपको मुश्किलात होंगी कौमी टीम में सेलेक्ट होने में। जी डेफिनेटली ऐसे ही है और ये भी एक प्रेशर होता है। और देखे, हर बंदे की कोई रिस्पेक्ट होती है। अगर शायद अफरीदी मुझे कहते हैं रजाक ये यहाँ पे जहाँ जाना हम ऐड बनाना है, तो मैंने सिर्फ ऐड को नहीं देखना है, मैंने तो अपने दोस्त शायद अफरीदी को देखना है ना कि वो जो कह रहे हैं उसकी बात में नहीं यकीन करना है। मुझे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है कि वो कितने का है कितने का नहीं, तो ये भी एक चीज होती है। और डेफिनेटली जब मैं चीफ सेलेक्टर हूँ तो मेरी बात कौन टालेगा, मैं तो जो किसी को कहूंगा ये काला होगा, चिट्टा चिट्टा, वो ऐसे ही करने का होगा जी जैसे आप कहते हैं मैं कर लूंगा उसने, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं बिगाड़नी है। तो ये चीजें जो है ना बड़ी काफी देर से फैल चुकी हुई, इससे मैं समझता हूँ प्लेयर की अपनी परफॉर्मेंस भी। अगर आप चीफ सेलेक्टर होते और आप पर इस तरह का इल्जाम लगता, तो जिस तरह सिकंदर बख्त ने कहा, आप जाते केस करते जिस शख्स ने इल्जाम लगाया है, आप साबित करते कि आप उस कंपनी के बोर्ड का हिस्सा, ये शराकतदार नहीं है या उस एजेंट कंपनी का हिस्सा नहीं है, ये आप इस्तीफा दे देते।
डेफिनेटली अगर मेरे पे इल्जाम न होता तो मैं बड़ा खुश होता कि चलो किसी ना किसी तो कोई बात ऐसी निकली. मैं तो बड़ा आराम से सोता भी और मैं अपना काम करता जो मुझे करना चाहिए था, प्लेनों की सिलेक्शन और प्लेनों पर नजर रखनी चाहिए थी क्रिकेट पार्टी से, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे ना कोई रिजाइन देने की जरूरत है, ना ही मुझे किसी की सबको तरतीर करने की जरूरत है, ना ही मुझे ये कहने की जरूरत है कि आप जाके केस करें. हाँ, वक्ती तौर पर होता है कि नजायज आप बातें करते हैं तो वो जाने, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया ही नहीं, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, तो ये तो इस्लाम का एक कानून है कि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है. अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो ना मैं रिजाइन देता और इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार मोहब्बत से और चाय पी के हल करता. अच्छा, लेकिन अगर आप चीफ सेलेक्टर होते, टीम वर्ल्ड कप खेल रही होती, बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती, जो रिजर्व में प्लेयर बैठे होते उनको जानबूझकर बिठाया गया होता, जो प्लेइंग 11 या 15 है उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही होती, तो उस दबाव का भी हिस्सा होता फिर इस इस्तीफे में? देखिए, मैंने 3 साल या 2 साल मैंने काम किया है बोर्ड के अंडर एज सिलेक्टर, और मैं एज ए सिलेक्टर से नाम के सिलेक्टर थे, क्योंकि जो भी होता था वो ऊपर से ही होता था. अगर मैं चीफ सिलेक्टर होता सबसे पहले तो मैं इस तरह की गलतियां करता ना, और हल्फन मैं जो भी काम करता हर प्लेयर के साथ इंसाफ करता और अच्छी टीम बनाता, पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता कि जी अगर मैं चीफ सिलेक्टर हूँ तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और मीडिया में बैठ के मैं कहता कि ये टीम हारेगी जीतेगी मैं उसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, ये आप में होना चाहिए. तो क्या आप समझते हैं कि इस जो परफॉर्मेंस है टीम की या जो कारकर्दगी है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए? जी डेफिनेटली, बिल्कुल. पीसीबी ने एलामिया जारी कर दिया है, पीसीबी का मौकिफ सामने आ गया है. अब्दुल रजाक आपकी जानिब वापस आएंगे, सोहेल इमरान की जानिब चलते हैं. सोहेल बताइएगा क्या कहता है पीसीबी? सर जी, पीसीबी ने अभी कुछ देर पहले अपना एक ऐलानिया जारी किया जिसपे उन्होंने एक 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तशकील दी दी है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी जो कि इल्जाम आए थे जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जो कि मीडिया में आ रहे थे कि जी इन्फ्लुएंस हुआ गया है टीम के सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर. इसमें बिल्कुल ये तस्करा नहीं किया गया कि इंजमामुल हक से मुलाकात हुई है, इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया. और एक दूसरा पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है जो तजावीज है. आप ये कह रहे हैं कि पीसीबी का ऐलानिया ये कहता है कि प्लेयर सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया गया है, इसकी तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई जा रही है, ऐसा ही है? जी 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 जी, बना दी गई है क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में कि पाकिस्तान, जो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है सेट अप अ 5 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिपोर्टेड इन द मीडिया pertaining to the team selection process. ये जो इल्जाम आए थे उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. और अभी जो इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई तस्करा ये नहीं किया गया कि इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है, इंजमामुल हक का नाम भी नहीं बताया गया, और ना ही सिर्फ ये बताया गया कि अपनी रिपोर्ट जो कमेटी है वो सिफारशात और रिपोर्ट जल्द पीसीबी इंतजामिया को भिजवा देगी. अच्छा, आप एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा, पीसीबी ऐलामिया उन्होंने सुन लिया, इंजमामुल हक ने पीसीबी के दफ्तर में मुलाकात किससे की थी? जी, हमें दोपहर के सपैर 3 बजे के लगभग हमें इस बात की तस्दीक की गई पीसीबी हेडक्वार्टर से जराये ने कि इंजमामुल हक के चेयरमैन जका अशरफ से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं. लेकिन इसी दौरान चेयरमैन जका अशरफ का एक फंक्शन पहले से शेड्यूल था जो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में था, आपके इल्म में होगा, पाकिस्तान ए, वेस्ट इंडीज वुमेन ए और इसके साथ साथ थाईलैंड की इमर्जिंग टीमें वहां पर मौजूद है, वहां उनके एजाज में एक फंक्शन रखा गया था, वहां पर जाना है. अब तक जो मुतजाद इतलात आ रही है कि इंजमामुल हक की पीसीबी हेडक्वार्टर में मुलाकात नहीं हुई थी, इंजमामुल हक मुलाकात के लिए जरूर, लेकिन इंजमामुल हक को यह जरूर पता चल गया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है इन इल्जामात के हवाले से, जिसके बाद इंजमाम ने इस्तीफा दे दिया. क्या यह कहना दुरुस्त होगा? जी, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले आपने उसके उनके इंटरव्यू का, उनके वर्जन का तस्करा किया जिसमें उनका यही कहना था कि उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए हैं, तो बेहतर यही है कि वो अलग होकर अपने तमाम तर मामलात को जो है वो इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए तैयार है. और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो तश्कील दी है, ये भी उसी के साथ अगर हम जोड़ें तो वो यही सिलसिला नजर आ रहा है कि इंजमामुल हक अलग हो गए हैं ताकि उनके बारे में जो इल्जाम हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां था, या जो मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है जिसमें जमात लग रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस हुए हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर. ठीक है, सोहेल हमारे साथ ही मौजूद रहिए अपनी